विधायक सरजू राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और अगले 2 से 3 महीने का कार्यक्रम साझा किया। उन्होंने बताया किस तरह से 12, 13, 14 तारीख को बाल कार्यक्रम और बाल मेला लगाया जा रहा है और उसका वेन्यू भी बताया उन्होंने कि किस तरह चिल्ड्रन पार्क में ये सारा कुछ होगा। उसके बाद उन्होंने दिसंबर का भी कार्यक्रम दिया। दरअसल ये उनके बोलने में इतना ज़रूर था कि कहीं ना कहीं उनको एक तलखी ज़रूर थी उनकी भाषा में कि शहर में जो कुछ या राज्य में, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि जिस तरह एक 26-27 साल तक मामला था, क्या ऐसा ही मामला रहेगा। तो इसे ज़रूर समझ में आ रहा है कि वो एक राजनीति की नई पहल और राजनीति में बदलाव को लेकर बहुत सीरियस हैं। आइए सुनाते हैं क्या कहा सरजू राय ने। 12, 13, 14 नवंबर को एक बाल मेला लगा रहे हैं। 14 नवंबर को बाल दिवस होता है, राष्ट्रीय बाल दिवस। एक बाल मेला लगा रहे हैं, 3 दिनों का बाल मेला होगा। उसमें कलकत्ता से पपेट शो करने वाले, माइम शो करने वाले, हमारे जो नोबेल पुरस्कार विजेता कला सिद्धार्थी जी के संगठन के लोग बचपन बचाओ आंदोलन के अनुभव को लेकर आएंगे। होप नाम की संस्था लखनऊ की है, वो बच्चों के ऊपर काम करती है, वो लेकर आएंगे। यहाँ के सभी स्कूल हैं, वहाँ के बच्चे उस पर आएंगे और हम कई तरह का की प्रतिस्पर्धा कराएंगे, खेल कूद कराएंगे, क्वीज कराएंगे, ताकि बच्चों की जो मानसिक स्थिति है वह कोरोना के आतंक से बाहर आए। एक खुला कार्यक्रम है और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी हैं, वो माननीय हरिवंश जी उसका उद्घाटन करेंगे 12 को। और 14 नवंबर को वहाँ हम लोग चिल्ड्रेन पार्क का उद्घाटन करेंगे। मैंने अपने विधायक फंड से कहा है कि जो पैसा लगे वो मंगा दीजिए, पहले के चिल्ड्रेन पार्क की मशीनें अब काम नहीं कर रही हैं। तो ये 3 दिन का हम लोगों का ये सामाजिक शैक्षणिक कार्यक्रम है बच्चों को लेकर। इसमें नर्सरी से लेकर 10वीं क्लास तक, यानी स्कूलों के बच्चे इसमें भाग लेंगे। में जमशेदपुर के ज्वलंत मुद्दों पर विचार होगा, कुछ राय बनेगी और उसके बाद 23 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर तक 1 महीने का विजय संकल्प दिवस के रूप में हम लोग कार्यक्रम करेंगे। हर मंडल में, हर मोहल्ले में हम लोग जाएंगे, बताएंगे जमशेदपुर की चुनौतियाँ क्या हैं, क्यों जमशेदपुर के बस्ती इलाकों में अब तक जो सही विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, हम लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग बताएंगे। और जमशेदपुर में न्याय का माहौल रहेगा कि आतंक भय का माहौल रहेगा, जो पहले 25 वर्षों तक रहा है वही फिर आगे भी दोहराया जाएगा कि नहीं। हर आदमी को निर्भय होना चाहिए, हर आदमी को स्वाभिमानी होना चाहिए और स्वाभिमान पर कोई चोट आएगी तो फिर हम सब उसके लिए खड़ा हैं, उसके न्याय के लिए हम लोग खड़ा हैं। हम जमशेदपुर को आश्वस्त करेंगे, एक बेहतर जमशेदपुर बनना चाहिए, कानून व्यवस्था की स्थिति जानी चाहिए यहाँ, और जो व्यवसायी हैं वो या जो कमज़ोर है वो कोई भी भयभीत न रहे, वो निर्भय होकर काम करे, भयमुक्त होकर काम करे, ये हम लोगों का संदेश रहेगा पिछले 1 महीने तक।